संसद में आज गूंजा नीट पेपर लीक का मुद्दा, राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा, संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को देना चाहते हैं साझा संदेश। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए सुनिए, ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। नीट पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज करने पर बरपा हंगामा, सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज फौरन नीट पर चर्चा के लिए नहीं थे राजी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे स्पीकर। राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक का गूंजा मुद्दा, टीएमसी सांसद ने चर्चा की मांग की, बरपा हंगामा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर बुलंद की अपनी आवाज। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद के लिए हंगामे पर की सख्त टिप्पणी, डेरेक ओब्रायन को बताया टीएमसी सांसद का डायरेक्टर। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद नेहरू मोदी की तुलना बेमानी, मोदी और नेहरू में कोई तुलना नहीं, सुधांशु ने नेहरू की खामियों का किया जिक्र। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नेहरू ने अपनी पार्टी के सरदार पटेल और अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया बल्कि खुद लिया, जबकि मोदी ही दूसरे दलों के नेताओं को भी उन्होंने सम्मान दिया। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत टूटी, सर्विस बहाल करने में जुटा प्रशासन। एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की दी गई सलाह, घायलों को ले जाया गया अस्पताल, बचाव अभियान अभी भी जारी। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आईजीआई पर विमान सेवाएं प्रभावित, 28 फ्लाइट रद्द की गई। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, अधिकारियों से ली घटना के बारे में जानकारी। घटना का जायजा लेने के बाद बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, कहा राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान, कहा मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। आईजीआई पर टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर विमानों का आवागमन शुरू, प्रशासन सतर्क। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर शुरू हुई सियासत, उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा अधूरे टर्मिनल उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गए, ये आश्चर्य की बात है। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से मिली जमानत, 31 जनवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया जारी, मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जून को हो सकती है जोरदार बारिश। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन में पहुंचेगा मानसून, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जलभराव के कारण राजधानी में यातायात हुआ जाम। भारी बारिश के चलते दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हुआ भारी जलभराव, तस्वीरों में दिखा सड़कों का हाल। दिल्ली में बीजेपी नेता भर्तृहरि महताब के घर में भरा बारिश का पानी, रात भर गायब रही बिजली। आतिशी के घर में भरा बारिश का पानी, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एमसीडी मेयर शेली ओब्रॉय ने जलभराव की स्थिति का किया निरीक्षण, मेयर शेली ओब्रॉय ने जंगपुरा क्षेत्र का किया दौरा। दिल्ली में जलभराव और बारिश को लेकर आपातकालीन बैठक, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री आपातकालीन बैठक में होंगे शामिल। 2 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी बैठक, बैठक में सभी बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास की एक सड़क धसी, गाड़ियों की आवाजाही हुई बाधित। नॉर्थ दिल्ली में मलकागंज के पास धसी सड़क, नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज के पास हुई घटना। दिल्ली के मयूर विहार में भी सड़क पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, बारिश की तस्वीरें आई सामने।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सोम प्रकाश के घर में भरा बारिश का पानी, घर के बाहर की तस्वीरों में दिखा सड़क का बुरा हाल। दिल्ली के आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास के नीचे डीटीसी में फंसे कई लोग, फंसे लोगों को बचा रही है एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के मिंटो रोड में भरा बारिश का पानी, बाढ़ जैसे हुए हालात। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बारिश से जल जमाव, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से यातायात हुआ प्रभावित, नेहरू प्लेस में लगी वाहनों का जाम। छतरपुर में भारी बारिश से जगह जगह हुआ जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही है समस्या। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर भी जलभराव का संकट, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है मुसीबत का सामना। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जलभराव में फंसे एसपी सांसद रामगोपाल यादव, उन्हें किसी तरह कंधे पर उठाकर गाड़ी में बिठाया गया। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है, इतना लेट बारिश हुई इसके बाद भी उन्होंने नालियां साफ नहीं की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह हुआ भारी जलभराव, लोनी रोड गोल चक्कर पर फंसे कई लोग, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के तिलकनगर में तेज बरसात के कारण गिरा पेड़, पानी में फंसी एम्बुलेंस। जीयू के नॉर्थ कैंपस मेन रोड पर भारी जलभराव, यात्री समेत कई बस घंटों तक पानी में फंसी रही, पानी में बंद पड़ी कार निकालने के लिए क्रेन बंद पड़ने से लोग लग गया जाम। भारी बारिश के बाद दिल्ली में अरविंदो रोड बनी सैलाब, सड़कें दरिया में हुई तब्दील। दिल्ली के कश्मीरी गेट का भी जलभराव से हुआ बुरा हाल, तालाब बनी सड़कें, जाम से जूझे लोग। बागेश्वर जनपद में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफनाई, खेतों में भरा मलबा। बारिश के कारण आसपास के जगहों के तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। दमन में जोरदार बारिश से तरबतर हुआ शहर, सड़कें बारिश के पानी से हुई सराबोर। बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। भक्तों को रवाना करने से पहले मनोज सिन्हा ने किया विधि विधान से पूजा पाठ, कुशल यात्रा के लिए की भगवान से कामना। यात्रा में जाने वाले भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, भोले की भक्ति में डूबे दिखे भक्त। हाथों में त्रिशूल लेकर श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के जयकारे और हर हर महादेव के नारे। महिलाओं ने गोला बनाकर जमकर किया डांस, लगाया बम बम भोले का जयकारा। जम्मू में अमरनाथ यात्री दिखे बेहद उत्साहित, बेस कैंप में डांस करते दिखे श्रद्धालु, खूब लगाए बम बम भोले के नारे। कठुआ में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए किए गए खास इंतजाम, भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए बड़े बड़े टेंट। अमरनाथ यात्रियों के लिए पीने के पानी का भी किया गया खास इंतजाम, एम्बुलेंस की भी हुई सुविधा। यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पर तैनात किए गए जवान। संभा में बाबा चामलियाल मेला का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए पूजा पाठ। दिल्ली में समा कैंप कार्यक्रम में शामिल हुए यातायात पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल, बच्चों को किया सम्मानित। मेघालय में मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान का शुभारंभ, सीएम कॉनराड संगमा हुए शामिल। कच्छ में होमगार्ड कार्यालय से निकला सालों पुराना खजाना, बक्से में थे पुराने चांदी का सामान, तहसीलदार को सौंपा गया सामान। गिर सोमनाथ में किसानों ने शुरू की जैविक खेती, खेती में महिला पुरुष किसान मिलकर कर रहे हैं काम। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर 29 जून को बारबाडोज में दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा फाइनल। बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ मैच, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर बनाए 171 रन।
172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम, महज 103 रन पर हुई ढेर। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने टीम के लिए सर्वाधिक 25 रन बनाए। कैप्टन रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर खेली 57 रनों की शानदार पारी। सूर्य कुमार यादव ने 47 और हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने भी दिखाया दम, अक्षर और कुलदीप ने 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह को 2 सफलता, अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। मुकाबले को लेकर टीम इंडिया पहुंची बारबाडोस, कल रात 8 बजे बारबाडोस में खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न, टीम इंडिया की टी शर्ट में डांस करते नजर आए फैंस। ढोल नगाड़ों पर झूमे बच्चे और युवा, फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने पर जताई खुशी। भारत की जीत पर बुलंदशहर में फैंस में जबरदस्त उत्साह, जमकर की आतिशबाजी। भारत की जीत पर देश के साथ विदेश में भी जश्न, वेस्टइंडीज के गुयाना में भारतीय टीम के फैंस ने जमकर मनाया जश्न। बिलासपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गोली कांड में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे पुरंजन ठाकुर समेत 3 को किया गिरफ्तार। संभल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जुए के अड्डे पर छापेमारी कर आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में पुलिस और युवकों के बीच हुई जमकर मारपीट, हंगामे और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अलवर में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान पर चला बुलडोजर, कई नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद एक्शन लिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गिरोह के 3 गुर्गों को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया।